ठीक है, क्या अभी रिकॉर्ड मैंने नहीं किया था इसको, अब वापस से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो फर्स्ट एलिनिटी आपको समझ में आ गया इतना? हेलो, एल्किनिटी, एल्किनिटी इतना समझ में आ गया क्या? यस सर। कोई डाउट हो तो बताइए। उसके बाद यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या यहां तक? फिर इंपैक्ट पे अपन पढ़ते हैं। अब इंपैक्ट जो है एल्किनिटी के कारण जो है वाटर पे क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, और इसमें देखिए अगर एल्किनिटी जो है वो एक्सेस होगी तो क्या होगा, जो बीटर टेस्ट होगा वाटर का, वाटर जो है वो अपने को बीटर लगेगा, ठीक है, कड़वा सा लगेगा। और प्राइम ऑब्जेक्शन ऑफ एल्किनिटी इज दैट इट लीड्स टू इनक्रस्टेशन इन पाइप, यानी कि इसका एक ही ऑब्जेक्शन है जो कि मतलब अगर ये ज़्यादा एल्किनिटी हो जाती है तो ये पाइप में क्या कर देता है, इनक्रस्टेशन हो जाता है। इनक्रस्टेशन मीन्स मतलब डिपोजिशन, कैसे कि अगर कोई ये पाइप है मेरे पास, इस पाइप में वाटर फ्लो कर रहा है ना, वाटर फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, अगर एल्किनिटी ज़्यादा होगी तो यहाँ पे प्रिसिपिटेशन बनेंगे, जिससे क्या होगा, जो पाइप में जो है वो इनक्रस्टेशन होगा, है ना, यानी कि डिपोजिशन होगा पार्टिकल्स का, जमा हो जाएगा, जिससे जो है पाइप का जो एरिया जो है, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिससे जो वाटर की फ्लो कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी, यानी कि डिस्चार्ज जो है, डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है विच लीड्स टू रिड्यूस इन डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, आई बात समझ में? देख लीजिए CO3 प्लस CA2 प्लस है तो ये क्या बन जाएगा, CaCO3, यानी कि एक तरह से एक प्रिसिपिटेशन बन जाएगा, है ना, प्रिसिपिटेशन में देखा, प्रिसिपिटेशन समझते हो आप? हेलो, प्रिसिपिटेशन के बारे में समझते हो क्या प्रिसिपिटेशन होता है? यस सर। तो जब भी अपन CO32- को CA2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो CaCO3 बन जाएगा, ठीक है, जो प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में होगा। उसके बाद अगर अपन OH- प्लस Mg2+ आयन को अगर आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो MgOH2 बनता है, जो भी प्रिसिपिटेशन होगा। और अगर OH+ Al3+ इनको भी आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो AlOH3 जो भी, वो भी क्या बनाएगा, प्रिसिपिटेशन। और OH- Fe3+ इन वो भी क्या बनाएगा, प्रिसिपिटेशन। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी एल्किनिटी वाटर में प्रेजेंट होगी, ये जो है ये वाटर में एल्किनिटी है, ये वाटर में एल्किनिटी जब भी प्रेजेंट होगी तो अपने को क्या बनाएंगे, प्रिसिपिटेशन बनाएंगे, जो क्या करेंगे, वहाँ पे जो पाइप होगा उस पाइप में इनक्रस्टेशन हो जाएंगे, यानी कि उनका जमा हो जाएगा। जमा होने की वजह से जो पानी में फ्लो रेट है वो डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जो डिस्चार्ज कैरिंग कैपेसिटी है पाइप की वो रिड्यूस हो जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, अब मैं एक मिनट रुकना, अब इसका मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं। एल्किनिटी ऑफ वाटर इज मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग, यानी कि इसको टाइट्रेशन मेथड के द्वारा इसको मेजर किया जाता है। उस मेजरमेंट से पहले मैं आपको बता देता हूँ मोलिकुलर वेट, है ना, अलग अलग जो जो कंपाउंड होते हैं उनके मोलिकुलर वेट मैं बता देता हूँ। जैसे कि CaCO3 है, इसका जो मोलिकुलर वेट होगा वो क्या होगा, 100 ग्राम, और इसका इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो क्या होगा, इसमें अपन जो वैलेंसी है वो डिवाइड बाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। तो ये इसका मोलिकुलर वेट है CaCO3 का कितना है, 100 ग्राम, और H2SO4 का मोलिकुलर वेट कितना है, 98 ग्राम, और HCO3- का मोलिकुलर वेट होता है वो 61 ग्राम होता है, ये देख रहे हो आप, है ना, और OH- का जो मोलिकुलर वेट होता है वो 17 ग्राम होता है। उसके बाद SO4- का भी मोलिकुलर वेट कितना होता है, 96 ग्राम। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अब नेक्स्ट अपन देखते हैं इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट यानी कि वेट ऑफ 1 ग्राम
जो होगा वो क्या बोला कहलाएंगे इक्विवेलेंट वेट, यानी कि इक्विवेलेंट वेट जो होगा जो अपना मोलिकुलर वेट होता है उसमें अपन वैलेंस शीट डिवाइड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। जैसे कि अपन देखते हैं कि CaCO3 है उसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो क्या होगा, जो मोलिकुलर वेट जो अपन मैंने पीछे बताया था आपको, मोलिकुलर वेट जो मैंने बताया था पीछे, देखो ये जो मोलिकुलर वेट है ये देख रहे हो, ये सारे क्या है मोलिकुलर वेट है 100, 98, 61 और 17 और 96, ये क्या है ये मोलिकुलर वेट है और ये जो है इक्विवेलेंट वेट है। अब इक्विवेलेंट वेट में इक्विवेलेंट वेट को मैं कैसे फॉर्मूले के थ्रू मैं जो है इक्विवेलेंट वेट निकालूंगा, अब वैलेंसी कितनी है CaCO3 में प्लस 2 है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया है, 100 में से 2 डिवाइड किया तो 50 ग्राम आ गया मेरा इक्विवेलेंट वेट। फिर H2SO4 में देखो इसमें वैलेंसी कितनी है प्लस 2 तो मैंने अपन क्या कर दिया डिवाइड 2 कर दिया तो 49 ग्राम आ गया इक्विवेलेंट वेट। फिर HCO3 में इसकी वैलेंसी कितनी है 1 और इसमें 1 का डिवाइड किया तो 61 ग्राम आ गया। OH- में इसकी वैलेंसी कितनी है 1 तो मैंने डिवाइड कर दिया तो 17 ग्राम आ गया। ALOH3 में इसकी वैलेंसी कितनी है प्लस 3 जो कि मैंने डिवाइड किया तो क्या आ गया 78/3 जो आएगा वो कितना आएगा 2 और 6 26, ठीक है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 26, ठीक है। इतना समझ में आया, यहाँ तक कोई दिक्कत है बताइए मेरे को। हेलो यस सर, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई डाउट है क्या आपको? नो सर। ठीक है आगे बढ़े। अब अपन देखते हैं मेजरमेंट ऑफ एल्कलिनिटी कि एल्कलिनिटी का मेजरमेंट कैसे करते हैं। एक वाटर पानी पी लेता हूँ। अब देखिए अपन मेजरमेंट कैसे करते हैं एल्कलिनिटी का, तो सबसे पहले सब सुन रहे हो क्या मेरे को? अब ध्यान से सुनना। हेलो सावल बादरू सुन रहा है? यस सर। यस सर। सतीश पांव ठीक है, सुनो एक बार इसको अच्छे से सुनना कि मेजरमेंट जब भी करते हैं अपन तो क्या करते हैं, तो उसमें अपने पास तीन, एक तो ब्यूरेट होना चाहिए, दूसरा कॉनिकल फ्लक्स होना चाहिए, ठीक है, एक अपने पास इंडिकेटर होना चाहिए और एक अपने पास पीपेट होना चाहिए। तो ये तो अपने पास इक्विपमेंट रहते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि ब्यूरेट जो है, यहाँ देखिए ये जो अपना क्या है ब्यूरेट, ये मेरा कॉनिकल फ्लक्स है, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ एक इंडिकेटर है जो मेरे पास, और एक इंडिकेटर है मेरे पास फिनेफ्थोलिन और दूसरा है मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, दो इंडिकेटर है। लोग तो बात आ रहे हैं ये जून्दो दिख रहा बूंदा डबा कर रहे हैं रोम नंदू हेलो। अब देखिए अब मैं देख रहा हूँ इसमें ब्यूरेट जो है ये स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन है, ब्यूरेट में कौन सा है स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन है, जो अपन में इसकी जो नॉर्मलिटी होती है वो 0.02 होती है और ये जो होता है H2SO4 होता है, जो स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन है वो अपन ब्यूरेट में ऐड करते हैं वो कितना करते हैं H2SO4 यानी कि 100 ml तक अपन इसमें ऐड करते हैं ब्यूरेट में। और फिर कॉनिकल फ्लास्क में अपन जो है वो सैंपल वाटर लेते हैं, माने कि एल्कलिनी वाटर जो है एल्कलाइन वाटर जो है वो मैंने कॉनिकल फ्लास्क में ले लिया, उसके बाद उसके साथ मैं क्या करूँगा
इंडिकेटर ऐड करूंगा, ठीक है, इंडिकेटर ऐड करूंगा जो कि फिनेथिलीन जो इंडिकेटर है वो ऐड कर दूंगा इस वाटर सैंपल के साथ। फिर अब उसमें जैसे मैं फिनेथिलीन वाटर के साथ ऐड करूंगा तो उसका कलर क्या आ जाएगा, पिंक। तो उसका कलर क्या आ जाएगा, पिंक। अब मैं इस पिंक कलर जो कॉनिकल फ्लास्क में जो पिंक कलर का जो अब ये जो कलर होगा ये क्या होगा, इसका पिंक कलर होगा, पिंक कलर होगा। इस पिंक कलर में मैं क्या करूंगा, अब ब्यूरेट से स्टैंडर्ड जो ये ब्यूरेट है इस ब्यूरेट से मैं क्या करूंगा, जो सॉल्यूशन है वो इसमें धीरे धीरे ऐड करूंगा। जैसे ऐड करता जाऊंगा एक टाइम पे ये जो कॉनिकल फ्लास्क में जो सॉल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। जैसे ही कलरलेस होगा तब अपने पास जो इसमें अपन इसमें ब्यूरेट से जो जो वॉल्यूम होता है वो अपन क्या ले लेंगे, वी वन। वो अपन वॉल्यूम क्या ले लेंगे, वी वन, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा होता है, ये तो सारा दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, सेकंड में ये दोनों पॉइंट सेम रहेंगे, दूसरे में इंडिकेटर अपन क्या लेते हैं, मिथाइल ऑरेंज। जैसे ही मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर लेंगे तो उसका जो कॉनिकल फ्लास्क में जो कलर होगा वो येलो हो जाएगा, ठीक है। अब फिर अपन ब्यूरेट से अपन जो है एसिड अपन ऐड करते हैं तो वो येलो से ऑरेंज होने में जितना वॉल्यूम लगेगा वो अपने पास आ जाएगा V2ml, ठीक है। वो कितना आ जाएगा, V2ml। आई बात समझ में? तो ये V1 वॉल्यूम जो है वो किसके लिए आ गया, फिनेथिलीन इंडिकेटर के लिए, और जो V2 वॉल्यूम है वो मैंने मिथाइल ऑरेंज के लिए ले लिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? ठीक है, तो आगे बढ़े। सर ये टाइट्रेशन की रिएक्शंस में है क्या? सर ये एक्सपेरिमेंट टाइट्रेशन के लिए नहीं होता क्या सर, जो आप बता रहे हो? ये टाइट्रेशन के लिए तो है, ये टाइट्रेशन ही तो कर रहे अपन, ठीक है। फिर इसके बाद अपन देखिए अब देखिए इसमें अब जैसे ही मैं कह रहा हूं तो इसको अगर फॉर्मूला में डिवाइड करते हैं, जैसे कि इसकी फिनोक्टलिन एल्कलिनिटी के लिए मैं इसकी कॉन्सेंट्रेट निकालनी है तो मैं क्या निकालूंगा, इसको पी फॉर्मूले के थ्रू अपन नाम दे देंगे। तो इसके लिए मैं फॉर्मूला ड्राइव करके लिखता हूँ कि वी वन इंटू जेड इंटू 50 × 1000, ठीक है, अपॉन टोटल वॉल्यूम। ये जब फिनोफ्थेलिन अपन इंडिकेटर ऐड करेंगे उसके लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है। नेक्स्ट जब मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी अपन मिथाइल ऑरेंज एल्कलिनिटी जो होगी वो क्या होगी, जब मिथाइल ऑरेंज अपन इंडिकेटर ऐड करेंगे तो उसके लिए जो फॉर्मूला है उसकी कॉन्सेंट्रेशन एम के थ्रू अपन डिनोट करेंगे और इक्वल टू जो होगी वी टू इंटू जेड इंटू 50 × 1000 अपॉन टोटल वॉल्यूम। जो जेड होगा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 की होगी, ठीक है, और ये होगा जो 1000 है जो ये वॉल्यूम इन ml ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर का जो वॉल्यूम होगा वो है, और 50 जो है ये जो CaCO3 का जो है ये इक्विवेलेंट वेट होगा, ठीक है, और उसके बाद अपन टोटल वॉल्यूम है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से दो अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन जो है एल्कलिनिटी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए एक टेबल है, टेबल दी हुई है, सतीश कुमार, ठीक, आवाज तो आ रही है ना? हेलो, यस सर, आ रही है ना, ठीक है। तो जब भी मैं कह रहा हूँ, अब इसमें इस टेबल में एक तो एल्कलिनिटी है जो पी और पी से डिनोट कर रखी है, और क्वांटिटी ऑफ OH, फर्स्ट टेबल में क्वांटिटी ऑफ OH आ जाएगी, और थर्ड टेबल में क्वांटिटी ऑफ CO3-2 आ जाएगी, फोर्थ टेबल में क्वांटिटी ऑफ HCO3 आ जाएगी। यानी कि फर्स्ट कॉलम में एल्कलिनिटी, सेकेंड कॉलम में क्वांटिटी ऑफ OH, और थर्ड कॉलम में क्वांटिटी ऑफ CO3-2, और फोर्थ कॉलम में क्वांटिटी ऑफ HCO3, ठीक है।
तो जब भी एल्कलिनिटी P इक्वल टू जीरो होता है तब मैं क्या कहूँगा कि जो OH होगा OH इसमें प्रेजेंट नहीं होगा और CO3 भी नहीं होगा, ओनली फॉर क्या होगा HCO3 प्रेजेंट होगा, जिसकी अपन क्वांटिटी होगी वो M फॉर्मूले के थ्रू डिवाइड करेंगे, ड्राइव करेंगे, जैसे कि M फॉर्मूला लिया है ना मिथाइल ओरेंज एल्कलिनिटी वाला, इसके थ्रू अपन इसकी क्वांटिटी ड्राइव करेंगे, ठीक है, जब P बराबर जीरो होती है एल्कलिनिटी तब, ठीक है। और अगर P बराबर M है तब क्या होगा, P बराबर M होगा तब क्वांटिटी ऑफ OH होगी वो क्या होगी P, वो P फॉर्मूले के थ्रू अपन ड्राइव करेंगे, ठीक है। और जो क्वांटिटी ऑफ CO3 माइनस टू होगी वो नहीं होगी और HCO3 की क्वांटिटी भी इसमें नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद आता है P इक्वल टू M बाई टू हो, जब एल्कलिनिटी P जो है वो किसके बराबर हो M बाई टू के, तब क्या होगा, तब अपन ओनली फॉर क्वांटिटी ऑफ CO3 माइनस टू ही फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगी 2P के बराबर, वो कितनी होगी 2P के बराबर, और P लेस देन M बाई टू है तब OH नहीं होगा और क्वांटिटी ऑफ CO3 माइनस टू होगी वो 2P होगी, और क्या होगी क्वांटिटी ऑफ HCO3 होगी वो क्या होगी M माइनस 2P, ठीक है ना। इसके अकॉर्डिंग अपन इसके फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट होगा P जब ग्रेटर देन M बाई टू है तो टू जो क्वांटिटी ऑफ OH होगी 2P माइनस M होगी और क्वांटिटी ऑफ CO3 माइनस टू होगी वो 2M माइनस P होगी, ठीक है। और जब OH माइनस एंड HCO3 ये अपन एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे, मतलब एक साथ इनकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेंगे, जब भी ये एक साथ आएंगे तो क्या होगा ये वाटर क्रिएट कर देंगे, ठीक है, जब आपस में रिएक्शन होगी तो ये वाटर क्रिएट कर देंगे, ठीक है। आई बात समझ में आता यस सर, हाँ यस सर, ठीक है। अब अपन देखते हैं इन रॉ वाटर जो इसकी एल्कलिनिटी की जो लिमिट्स होती हैं वो देखिए, लिमिट्स होती है एक एक्सेप्टेबल लिमिट होती है वो 200 मिलीग्राम पर लीटर एच सी ए सी ओ थ्री, ठीक है, और कॉज फॉर रिजेक्शन जो होती है वो 600 मिलीग्राम पर लीटर एच सी ओ सी ओ थ्री, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया, अब आते हैं अपन एल्कलिनिटी में, कोई डाउट है क्या एल्कलिनिटी में, कोई डाउट है बताइए। अब आते हैं हार्डनेस, हार्डनेस क्या होती है पता है, एनीवन आइडिया, अब देखिए हार्डनेस होती है कि जब भी वाटर में अगर अपन पानी में हार्डनेस होगी तो उसमें क्या होगा, जो सोप के जो सोप फॉर्मेशन है वो नहीं होगा, है ना, यानी कि उसमें झाग नहीं बनेंगे, ज़्यादा अपने को झाग बनाने के लिए ज़्यादा सोप कंज्यूम होगा, ठीक है, एक तो ये हो गया, और वो वाटर जो है पीने लायक नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए इट इज़ द एबिलिटी ऑफ वाटर टू डिस्ट्रॉय सर्फेक्टेंस प्रॉपर्टी ऑफ द सोप, ये मतलब जो सोप की जो सर्फेक्टेंट प्रॉपर्टी होती है इसको डिस्ट्रॉय कर देता है, और मे आल्सो बी रिफर्ड एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मल्टी वेलेंट कैटाइन इन वाटर। तो इसमें क्या होता है कि जो मल्टीवेलेंट कैटाइन होते हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, तो इसमें कौन कौन से हो गए, एक तो Ca प्लस टू Mg प्लस टू, ये मेजर मल्टीवेलेंट कैटाइन होते हैं, हार्डनेस का कारण यही है, जब Ca प्लस टू और Mg प्लस टू अगर वाटर में प्रेजेंट है तो वाटर क्या होगा हार्ड होगा, और माइनर जो आयन होते हैं मल्टीवेलेंट कैटाइन जो होते हैं ये Al3+ और Fe3+ 2+ Mn2+ और Pb2+ Sn2+ माइनर मल्टीवेलेंट कैटाइन होता है। अगर मैं यहाँ कह देता हूँ कि Al अगर 1+ होता है तो ये मल्टीवेलेंट कैटाइन नहीं होता है, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा अगर कैटाइन है वो मल्टीवेलेंट कैटाइन होंगे, है ना, कभी भी क्वेश्चन में आ जाए कि
मल्टीवेलेंट केटाइन की हार्डनेस फाइंड आउट कीजिए। तो आप ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी वन प्लस आयन है उसकी भी हार्डनेस साथ में कैलकुलेट कर रहे हो, नहीं, उसको हटा देना, उसको अपने को कंसीडर नहीं करना है। ओनली फॉर जिसकी केटाइन पे टू प्लस या फिर टू से ज़्यादा अगर उसकी केटाइन है तो ही अपने को उसको कंसीडर करना, नहीं तो नहीं। ठीक है, अब हार्डनेस टू टाइप की होती है, एक तो होती है कार्बोनेट हार्डनेस, दूसरी होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। हार्डनेस कितने टाइप की होती है? टू टाइप की, एक होती है कार्बोनेट हार्डनेस और दूसरी होती है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब अपन सबसे पहले देखते हैं कार्बोनेट हार्डनेस के बारे में। कार्बोनेट हार्डनेस ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट ऑफ मल्टीवेलेंट केटाइन इज टर्म्ड एज कार्बोनेट हार्डनेस। यानी कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो कार्बोनेट CO3- के कारण और HCO3- के कारण ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस, ये जो हार्डनेस होती है इसे अपन टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं, बिकॉज इट रिमूव इजीली बॉइलिंग और एडिंग लाइम। और ये जो कार्बोनेट हार्डनेस है अपन इसको इजीली रिमूव कर सकते हैं, किसके थ्रू? एक तो बॉइलिंग के थ्रू और उसमें अपन लाइम ऐड करके उसको रिमूव कर सकते हैं कार्बोनेट हार्डनेस को। आया समझ में? मैंने क्या पॉइंट बोले? तीन पॉइंट बोले हैं। एक तो मैंने बोला है कि जो कार्बोनेट हार्डनेस होती है वो CO3 HCO3 के कारण होती है, और ये टेम्परेरी हार्डनेस होती है, और थर्ड पॉइंट है इसको अपन रिमूव कर सकते हैं इजीली, किसके द्वारा? बॉइलिंग के द्वारा या फिर लाइम ऐड करके रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है नॉन कार्बोनेट हार्डनेस। अब नॉन कार्बोनेट हार्डनेस क्या होता है? कार्बोनेट मीन्स आपको सामने नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, मतलब सी कार्बन प्रेजेंट है वो क्या है? कार्बोनेट हार्डनेस। नॉन कार्बन कार्बोनेट हार्डनेस जिसमें कार्बन नहीं है तो क्या होगा? हार्डनेस ड्यू टू Cl- SO4- NO3- टू ऑफ मल्टी वेलेंट केटायन इज एज नॉन कार्बोनेट। ठीक है, तो इसके कारण जो होगी ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है। ठीक है, परमानेंट हार्डनेस, ये ध्यान रखना, आप सोच रहे हो कि Cl ओनली Cl- हो तो वो नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, वो हार्डनेस जनरेट ही नहीं कर सकता। मतलब Cl- SO4 इनके मल्टीवेलेंट केटायन जो होंगे वो हार्डनेस जनरेट करेंगे। आई बात समझ में? ये परमानेंट हार्डनेस होती है। ये क्या होती है? परमानेंट हार्डनेस होती है। ठीक है ना, और इसे अपन किसके द्वारा रिमूव कर सकते हैं? आयन एक्सचेंज मेथड द्वारा या फिर जियोलॉइड प्रोसेस है उसके द्वारा अपन इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? यहाँ तक जिसको समझ में नहीं आए वो बता दीजिए मेरे को। कोई डाउट है क्या? किसी को डाउट? अच्छा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, फिर एक अननोन नंबर पर कॉल आई थी एंड अनफॉर्चुनेटली अटेंड हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैं नेक्स्ट, इसमें देखिए जो कार्बोनेट हार्डनेस है इसमें देखिए, इसमें एग्जांपल देखिए, CaHCO3 2 ये कार्बोनेट हार्डनेस है, MgCO3 ये भी कार्बोनेट हार्डनेस है, CaCO3 ये क्या है? ये PPT है, मतलब प्रिसिपिटेशन है, ये कोई हार्डनेस नहीं है। CaCO3 हार्डनेस नहीं है, Na2CO3 ये भी कोई हार्डनेस नहीं है, और MgCl2 ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, CaSO4 ये नॉन कार्बोनेट हार्डनेस है, AgNO3 ये क्या है? एक तरह से हार्डनेस नहीं है, इसे अपन कह सकते हैं ये यूनिवेलेंट केटायन है। ठीक है ना, AgNO3 क्या है? हार्डनेस नहीं है क्योंकि ये यूनिवेलेंट है, यानी कि इस पे जो आयन होगा वो प्लस वन होगा, है ना, तो इसलिए अपन
इसको AgNO3 को ओनली फॉर अपन हार्डनेस में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है, आई बात समझ में। अब देखिए Mg प्लस टू जो है, अब मैं कह रहा हूँ जो मेरे पास मेजर जो आयन है हार्डनेस के लिए कौन कौन से हो गए, एक तो Ca प्लस टू, Mg प्लस टू, ये मेजर है, इनके लिए अपन देख लेते हैं इसका मोलिकुलर वेट और इक्विवेलेंट वेट, और अपन Al3 के लिए भी देख लेते हैं, Al3 प्लस के लिए भी अपन देख लेते हैं। तो देखिए अब इसका